किसलिए बुलाइए, क्यों बुलाइए? अरे मैडम करो ना, बात करो, बात करो, आप तो मिल के सामने बोलो जो भी है। मतलब तेरा पति है तू अभी भी मुकर रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हमने ऐसा क्या कर दिया? ये लो तुम्हें, अगर ये रुको 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 रुको, मैं तुम्हें दिखा, ये सब मत छोड़ मेरा। ये क्या है? क्या कुछ? राम राम जी, तुम्हारा भाई सैम पंडित आ गया एक नई हेल्पिंग वीडियो लेके पवन भाई के साथ। राम राम जी। तो भाइयों, आज की जो है ये जो मैम हमारे साथ आई हैं, ये इनका कोई प्रॉब्लम है कि इनकी जो कोई बेस्ट फ्रेंड है वो इनके हस्बैंड पे डोरे वगैरह डाल रही हैं और इनको चीट कर रहे हैं ये लोग मिलके। जो भी है मैं चाहता हूँ ये आपको खुद बताएं, और ये अवेयरनेस वीडियो तो आप इससे अवेयर हो जाएं, तो इसलिए वीडियो बनाई जा रही है कि एक शादीशुदा और वैवाहिक ज़िंदगी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आप प्लीज़ सुनिए, मैम बताइए अपनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मेरी बस ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बहुत सालों से है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज टाइम से है, सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले कुछ टाइम से मतलब मेरे को आस पड़ोस के मेरी भी कुछ फ्रेंड्स रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब घर नहीं होती तो मेरे पीछे से मेरी फ्रेंड घर आती है, तो मुझे भी थोड़ा नॉर्मली लगा कि शायद कोई काम होगा, कभी आई होगी। बट जब चार घर पांच पे आप नहीं होते तो नहीं, कौन होता है? हस्बैंड होते हैं। तो मेरी जो नेबर में रहती है मेरी फ्रेंड, उसने मुझे पीछे भी एक दो बार बोला कि जब तुम नहीं होती तो तुम्हारी फ्रेंड आती है, तो मेरे को भी माइंड में हुआ कि मेरे पीछे से ये क्यों आती है। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि मेरी वो आई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो तो नहीं आई। तो मेरे को क्लिक हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो अभी लास्ट में एक्चुअली मेरे ऑफिस से बाहर के टूर रहते हैं, क्योंकि टूर एंड ट्रैवलर्स का है, तो मैं अभी लास्ट टाइम बाहर मैं गई थी, तो मैंने क्या किया, ना चाहते हुए भी मैंने, मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने अपने रूम में कैमरा लगाया था जो कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को लगाना पड़ा क्योंकि मेरे माइंड से वो बात ही नहीं निकल रही थी। तो जब मैं वापस आई तो मैंने जब आगे कैमरे में देखा तो मतलब मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ जो मैंने कुछ देखा, कि मतलब मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड दोनों ही घर में थे। अच्छा, दोनों एक साथ थे। तो बस उसके बाद से मेरा माइंड इतना घूम गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या ही किया जाए, क्या करूं। हस्बैंड भी अपनी मर्जी से चीट कर रहे हैं आपको, और बेस्ट फ्रेंड भी। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ही चला गया मेरा। तो यार आप लोग देख सकते हैं ना कि इन मैम के जो हस्बैंड है और इन मैम की ही बेस्ट फ्रेंड जो कितने साल से इनकी दोस्त बनती है, इनकी सहेली बनती है, वो इनके हस्बैंड के साथ हैं, नाजायज संबंध, गैर संबंध बना रहे हैं, जो भी बहुत गलत है यार। इनके दिल पे क्या बीत रही होगी? तो भाई मैं चाहता हूँ आप इन चीजों से बचो, ऐसी वीडियो से अवेयर हो, और वीडियो को शेयर मारना यार, और वीडियो एंड तक देखना और शेयर जरूर मारना। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बने रहें। बोल क्या हुआ यहाँ, किसने बुलाया तूने? आप क्यों आए हो? मैं लेके आई हूँ इनके साथ। पर आपको तो मैंने बोला ही नहीं था, मुझे तो इससे बात करनी थी। तो मैं लेके आई हूँ। पर तुम क्यों लेके आई हो इनको? अरे तुझे बात क्या करनी, तो वो बात करना, क्यों बुलाई है? तेरे को और कोई घर में जगह नहीं थी क्या यहाँ पे बुलाया मेरे को? मैंने इसलिए बुलाया कि जो ये तू कर रही है ना, ये ठीक नहीं कर रही है। अब मैंने किया क्या? अब मैं इनके सामने ही बोल देती हूँ, जो जो तुम लोगों का चल रहा है ना ये पिछले कुछ दिनों से, क्या लगता है मुझे पागल बनाओगे? क्या चल रहा है? तू क्लियर बोला क्या? मेरे पीछे से मेरे घर आ रही थी तो घर आ रही थी, मतलब क्या होता है? मतलब कुछ काम नहीं हो सकता किसी को? वही तो पूछ रही हूँ, एक बार दो बार कितनी बार, जब मैं घर पे नहीं होती तभी तुझे मेरे घर काम होता है। अरे तो उसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई? तुझे पता है अभी जो मैं लास्ट टाइम गई हूँ ना टूर पे, मैं अपने रूम में कैमरा लगा के गई थी, और उस कैमरे में ना मैं सब देख चुकी हूँ जो तुम लोग मेरे घर पे करते हो मेरे पीछे से। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे छुपाओगे? मुझे पता नहीं चलेगा तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, किस लिए? कैमरा किस लिए लगा के गई थी पहले ये बताएगी? मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, किस लिए किया ये सब? तू मेरे से बात कर। कैमरा इसीलिए लगाया था क्योंकि तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम्हें सच्चाई सामने लाने के लिए लगाया था, और जो मेरे सामने आ चुकी है। तुम मुझे कितने टाइम से पागल बना रहे थे? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, नहीं मालूम क्या? क्या चल रहा है तू बता दे। आप बताओ क्या चल रहा है? शर्म आनी चाहिए ये बात मेरे से पूछते हुए। अरे शर्म क्यों आनी चाहिए? तुम्हें वीडियो में दिखाऊं? तुमने अभी तुम मेरे पीछे थे जब मेरे घर आई थी, तुम क्या कर रहे थे? क्या सुनो, तूने यहाँ बुलाया? हाँ, क्या बात करने के लिए? यही बात करनी है वो क्लियर करना, यही बात करने के लिए बुलाया है कि जो तुम दोनों का चल रहा है ना ये क्या है? मुझसे क्यों छुपा रखा है? मुझे क्यों बीच में तुमने ऐसे करके किया है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा है क्या? तुम दोनों का आपस में तुम प्यार करते हो, तुम दोनों का जो आपस में रिलेशन है, क्या तुम्हें क्या लगा मुझसे छुपा लोगे? अब नहीं है, अब नहीं है, पहले था, लेकिन जब से मैंने वो वीडियो देखी है ना उसके बाद से मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया, तोड़ दिया सारा ट्रस्ट आप लोगों ने। अच्छा तूने वीडियो देखी? ऐसी उम्मीद नहीं। अरे तू क्यों इतना अनजान बन रही है? तू क्यों इतना अनजान बन रही है? तुम्हें फोन पे दिखाऊं क्या मैं? तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है हमारे पे? तुम अभी भी मुकर रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हमने ऐसा क्या कर दिया? ये लो तुम्हें, अगर ये रुको 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 रुको, मैं तुम्हें दिखाऊँ मेरा ये क्या है? क्या कुछ नहीं है? क्या है ये? ये सब फेक है, कुछ नहीं है, ये फेक है, सब झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, सामने सब कुछ आते हुए भी तुम कह रहे हो फेक है। अरे तुम एक्सेप्ट करो ना, अंजू कहाँ जी है? तू चुप, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। क्यों एक्सेप्ट करूँ जब मैं हूँ ही नहीं गलत? तो
ये तो तुम ये इसके काम मेरे कमरे में इसके साथ क्या कर रहे थे? सब छोड़ो, तुम क्या हमारे पर तुम नजर रख रही? बिल्कुल रख रही थी, नहीं रख रही थी, विश्वास नहीं है नहीं था, विश्वास था तभी इतने साल चलती रही, लेकिन अब विश्वास टूट गया मेरा जब मैंने ये वीडियो देखी ना, उसके बाद से विश्वास खत्म हो गया तुम पे से भी और तुम पे से भी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि तुम ये सब कर रहे हो? कुछ होएंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे ना, कुछ पागल है ही नहीं तो फिर किसने एक्सेप्ट करे? तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है तो ये क्या है? तुम्हें वीडियो दिखा दी उसके बाद भी तुम अभी भी तुम सच बोल रहे हो? एक बात बता, चल अगर है भी तो तू क्या कर रही है? मान लिया ना तुमने, इसका मतलब तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे? कितना बड़ा धोखा करा मुझसे? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अब ऐसे तुम मेरे साथ कुछ भी करते रहो और तुम मेरी सहेली के साथ आराम से रहते रहो, मेरी पीठ पीछे तुम लोग गलत काम करो और मैं कुछ भी ना बोलूं? क्या गलत काम कर लिया हमने? क्या किया? क्या गलत दिखानी तुझे? क्या कर गलत काम है तो और क्या है? मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ये मेरे घर आती है और तुम इसके साथ मेरे रूम में रहते हो और उसके बाद कहते हो कि गलत नहीं है, तो सही क्या है? अरे मैं ये कह रहा हूं, सही क्या है? अरे अंजू तू कहां जी रही है? पहली बात तो तूने कैमरा किससे पूछ के लगाया? किससे पूछ के लगवाया कैमरा? मेरी बात सुन, कैमरा तो चुप रहते से बात नहीं कर रहा, तुम गलत हो रहे हो क्या? नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। तुम इतनी बड़ी चीज देखने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ये नहीं बोल रहे कि हां मुझसे गलती हुई है? अभी भी तुम मेरे ऊपर बोल रहे हो कि मैंने गलत किया है? क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? प्यार करना गलत है क्या? मान लिया ना, हां यही तो बोलो ना, अपने मुंह से बोलो कि तुमने ठीक है मान लिया, बोलो क्यों किया फिर ये सब मेरे साथ? क्यों किया ये सब मेरे साथ? मेरी मर्जी बोल, तुम मेरे तो यहाँ से चली जा, हमारी लाइफ को छोड़ दे, मेरे पति को छोड़ दे, मेरी लाइफ से निकल जा। क्यों छोड़ दूँ? बस तुझे जाना पड़ेगा। नहीं तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तू बीच में आई है, बीच में आ रही है। इसको बोलो ये घर से चले, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। जब वो मेरे से प्यार करते तो तेरे साथ क्यों रहेगा? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? छोड़ देगा क्या तुम मेरे साथ? नहीं रहोगे? बिल्कुल। कैसी दोस्त है तू? तूने मेरा ही घर खराब कर दिया। नहीं है विश्वास, अब क्या विश्वास तुम पे करूं? जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख ले तो भी विश्वास करूं तुम पे? तो क्यों बहस कर रही है अब? किस लिए बहस कर रही है? चली जा मेरी लाइफ से, चली जा यहां से। मैं क्यों चली जाऊं? तू जाएगी अब हमारी लाइफ से? क्यों मैं जाऊंगी? मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है। नहीं की है? तुमने कैसे शादी की है? ऐसे कैसे कर ली? जैसे होती है जैसे ऐसे करी थी? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। धोखा है, धोखा है। क्या धोखा है? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बच जाओगे? बच के जाओगे? तो क्या बोल रही है? तो क्या बोलना चाह रही है? मैं जो बोलना चाह रही हूं ना, मैं इनसे प्यार करती हूं, ये मुझसे प्यार करते हैं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? ये सब झूठ है, तूने ये सब करके फंसाया। तू इस घर, तू यहां से चली जा। तूने ही मेरी लाइफ खराब की है। तेरे से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं। तू यहां, तू जा यहां से, तू चली जा। तू जाएगी अब हमारी लाइफ से? तू जा यहां से, तू जा यहां से। नहीं, तेरे को जाना पड़ेगा। नहीं, खड़ी जाएगी। मैं क्यों जाऊं? तू निकलेगी यहां से? मैं क्यों जाऊं? तू निकलेगी यहां से? मैं नहीं जाऊंगी। मेरे और इसके बीच में तू आ रही है। तू चिढ़ जा, वो मैं उनसे बात कर रही हूं। ठीक है ना, खड़ी जा। नहीं, बात करनी, मैंने बात करनी नहीं। खड़ी हो जा यहां से। ठीक है ना, चली जाए यहाँ से। आप मेरी बात सुनो, आप इसको बोलो यहाँ से जाने के लिए। तो हट, पीछे हट, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। उनसे भी क्यों करेगी? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मतलब आपको, तू हट, पीछे हट, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी। आपको क्या लगता है आप इसे, इसके लिए मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़। और जो हमारी शादी है वो सब खत्म है, सब ढोंग था, सब झूठ था। क्या ढोंग था? आपको क्या लगता है कि आप ऐसे किसी के साथ भी कर लोगे? आज आप मेरे साथ हो, कल को ये तेरे साथ भी नहीं होंगे। तुझे क्या लग रहा है? नहीं हूँ मैं तेरी बात से। तू हट जा यहाँ से। करो ना, बात करो, बात करो। अब तुम इनके सामने बोलो जो भी है। तेरा पति है, उसी को मैं पिटवा रही है बुला के किसी को? तुम मुझसे बात मत करो। तू ये कर क्या रही है? जो बात करनी है देख, अंजू मेरी बात सुनिए। अपने पति को पिटवा रही, तुझे शर्म आ रही है? बिल्कुल भी बात करना, मैं नहीं रुकवा रही है। मैं नहीं रुकवा रही हूँ। जवाब दो ना। मार के रहे हो भाई, मुंह से भी तो बात होती है। क्या करवा रही है अंजू? क्या करवा रही है? क्या तमाशा है? कुछ नहीं करवा रही है। चुप, अबे चुप करा लेगा। जवाब दो ना, क्या है? बात करो, बात करो, मुझे बात करनी है। नहीं, मैं कुछ नहीं रुकवा रही। तू इनसे बात करो, इनसे बात करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मतलब कौन है ये? मतलब तू, तुझे मेरे और अपने पति के चक्कर में डाउट आ गया? तेरे को समझ रहे हैं? कर बात कर, क्या हो गया बताओगी? क्यों बुलाया आपने इनको? कर बात कर, आवाज बात कर लो ना। यार क्या करवा रही है अंजू? रुकवा दे, क्यों पिटवा रही है? मैं किसी को नहीं बुला रही हूँ, ये इनकी बातों का जवाब दे दो। शांत हो जाओ मैडम, शांत। जल्दी बोल, आप हो कौन? क्यों मार रहे हो भाई? बता रहे हैं तुम्हारे काम पिटने वाले हैं। क्या कर रहे हैं इसके साथ? आप लड़के, इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहे। तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? हाथ तोड़ कर ना पीछे लगा दूंगा। समझ रहे हैं? क्या कर रही है? तेरा पति है, इसके लिए तू अभी मेरे से लड़ रही है और इसे पिटवा रही है? तो जब बात नहीं सुनेंगे तो क्या करूं?
मैं तो दूसरों से पिटवाएगी। बस मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, मैं उसे झूठ नहीं कह सकती हूं। ना रहे बेशक मेरे साथ, नहीं रहना ही नहीं है। क्यों रहना है अब? नहीं रहना। तुम हो कौन मुझे ये बता दो। इसको करवा ले, चुप चुप करवा ले, इसको चुप करवा ले। नहीं करा, चुप करा, हाथ नीचे, चुप हो जाओ, चुप करा ले बिल्कुल। और जो पूछना है बैठ इधर, बैठ यहां अंकल के नाम पे। भाई हुआ है तुम लोगों पे बिल्कुल। क्या कर रहा था तू? हैं ओ हाथ नीचे करो, स्टड है तू बहुत बड़ा। पहले तुम हो कौन? तुम लोग हम लोगों के बीच में क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम नहीं सुन रहे हो ना, तो मुझे मजबूरन बात करनी पड़ी। मतलब कोई भी हो, कोई भी हो, अब कौन है वो छोड़। तेरे को प्रॉब्लम है तो ये दोनों कौन है तेरे? ये जो भी है तुम जवाब दो इनकी बात को, बात करो इनसे, बात करो। बेटे हैं इनके, मुझे नहीं पता। बहुत हो गया, करा ले, चुप बोल ले मुंह से। चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। मैम कान निकाल दूंगा दोनों इसके में। और इधर अब मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे रहना ही नहीं है। मैं अब नहीं रहना चाहती। आज तक और अब आज भी कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। आज बात मान ली है तो आज मुझे कह रहे हैं कि तू मेरी जिंदगी से चली जाए। ऐसे कैसे चली जाऊँ? सब कुछ छोड़ के क्या बोल रहा है ये? कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। नहीं नहीं फाड़ दूँ क्या खान? नहीं 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 कोई फाड़ दूँ खान। अब मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। ये आपकी दोस्त है ना? ये कौन है आपकी दोस्त? है हाँ तो ऐसा करते हैं दोस्त के साथ। बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत अच्छे दोस्त हो ना। और आपने क्या करा ये इनके साथ? इनकी जिंदगी खराब कर दी। कभी एक हाथ से नहीं बचती, उसका पति खुद दुखी है उससे। दुखी है? हाँ। अच्छा क्या, क्या, क्या दुखी है? क्या दुखी है भाई? क्या दुखी है? सच से बताइए। नहीं फोड़ दूंगा बेटे तेरी पीठ पे पहाड़ का ना। कहीं वहम में हो रहा हो, वो रोए जा रही है वहाँ पे। और मैं अब किसी से कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं अब इस आदमी के साथ भी रहना नहीं चाहती हूँ। बस तो फिर ये तमाशा ही क्यों कर रही है? इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा सच सामने लाने के लिए किया है। मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि तुम सच नहीं बोल रहे थे, ठीक है? अब तुम सच बोले हो, तुम्हारा सच सामने लाने के लिए किया है जो भी किया है। सामने आइए, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी और ये भी मुझसे रोज झूठ बोल रहे हो। सच बोलो ना मुँह से, तुम क्या चाहते हो? बोल दिया, अब क्या कर लेगी बता? अच्छा इधर आओ, अपने आप जवाब दो। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने कोई कैमरा नहीं लगवाया, मैंने कैमरा का फल है। दीदी पीछे हो जाओ, पीछे पीछे कैमरा पीछे नहीं हो रहा, कैमरा बंद। मैंने कर्मों का फल है जो तुम कर रहे थे ना इनके साथ। कैमरा बंद करवा दे। मैंने कोई कैमरा नहीं लगवाया। करवाएंगी उधर उधर, तुम इनसे बात करो। मैंने कोई कैमरा नहीं लगवाया, ना मैंने बोला कि तुम्हारी वीडियो बनाए, ठीक है? मैं तुम्हारा सच सामने लाना चाहती थी, वो मैं ले आई। और अब मैं इनके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है भाई? मुझे मुझे घर में रहना है, मैं उस घर से नहीं जाऊंगी। इन्हें जाना है, ये उस घर से जाएंगे। मुझे छोड़ना चाहते है ना, अब मैं इन्हें छोड़ना चाहती हूँ। मुझे इनके साथ रहना ही नहीं। कैमरा उनका है, उनसे बात करो। मैंने कोई कैमरा नहीं लगवाया। यार ना आपकी हरकतें खराब रहती ना, मैं ऐसे करता। तो इसकी क्या हरकतें खराब है? बे भाई जी, सब बीवी है। अब रोने की हरकत मत करे, अब यहाँ रोने की हरकत नहीं, अब यहाँ रोने की हरकतें नहीं। क्या हरकतें खराब है? ठीक है, एक बार अब तक तो बहुत दुखी कर लिया ना उन्हें। अब यार रोने के जवाब दे सकती है ना मेरे को वो? क्यों बोलती है? तो इसका मतलब ये होगा कि तुम कहीं बाहर चले जाओगे, तो इसका मतलब ये होगा। बोलो जवाब, जवाब दे दोनों का। जब आपको मैंने कितनी बार बैठ कर नहीं, अगर अगर मैं तुमसे तो प्रॉब्लम तोड़ दूं, प्रॉब्लम तो इसका मतलब तुम बाहर चले जाओगे, किसी और के पास चले जाओगे। अगर किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, अगर हमारी कितनी बार बैठ के मैंने बात करनी चाहिए, तो मुझसे बात करते। वो तो कहीं नहीं गई, वो तो कहीं नहीं गई, इधर उधर। तू क्यों चले गया कहीं और? तू क्यों चले गया कहीं और? अब मेरी बात सुन सुंदरा, ज्यादा हमारे पास की है नहीं और ना हमारे पास टाइम है, ठीक है? सीधी सी बात है, इसको डिवोर्स देना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? इसके साथ तू है ना, तो इसी के साथ रहियो। रह लोगे ना इसके साथ मैडम? ठीक है, मुझे नहीं रहे। अब क्यों पलटी तेरी लड़की? मना कर रही है, कभी रो रही है, कभी यहाँ पे उसको गुस्सा कर रही है। अब मुझे रहना नहीं है। बोल रही है, क्यों धोखा दे रही है मेरे को तुम? क्योंकि तुमने भी दिया ना, तूने दिया ना, तेरे को मिल गया। सारी दुनिया में अपनी बदनामी नहीं चाहती, ठीक है? इसलिए प्लीज अंजू वीडियो बंद करो। शादी तक नहीं था मतलब? या बदनामी तो यही था तुम्हारा, ये शादी करना ही नहीं चाहती तुमसे, बस यही करना था टाइम पास। और पैसे लुटाओ और करो, लुटाओ और पैसे। वो बुरी थी ना, तो वो बुरी रहने दो उसे, वो बुरी थी। चलो ठीक है, अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है? खड़े हो मैम, खड़े हो जाओ मैम। मैं गलती मानने से क्या होगा? मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है?
इसकी क्या गारंटी तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे? तुम तो कल को फिर कहीं और चले जाओगे। यार एक मौका तो भगवान भी देता किसी को। सॉरी मांग रहा हूँ आपसे, आज के बाद नहीं करूँगा। इसके पीछे मैंने तुमको छोड़ा और आज ये मुझे छोड़ के भाग रही है, सिर्फ इसलिए कि बदनामी करवा दी। और मेरी जो बदनामी हुई है अभी है, और जो उनकी उनके दिल पे जो बीती है वो मान रहा हूँ मैं, तभी उनसे हेल्प मांगूंगा। इधर आ लो मैम, कितनी बार बोलूँ उनसे माफ़ी मांग रहा अपने किए की मैं। ठीक है आज के बाद से कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है एक मौका दे सकते हो। चेहरा दिखा लो अपना कैमरे में। मैं नहीं दिखा रही। इधर इधर बिल्कुल इधर इधर बिल्कुल। तो जाओ ठीक है मैम। अब आप और इनका क्या करना भाई? इनसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। नहीं मैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। कौन चाहिए वापस? नहीं मुझे इनकी माफी भी नहीं चाहिए। मैं इनको देखना ही नहीं चाहती। अरे इसका घर पहुंच जाएगी, छोड़ इसका। मैं इनके इनको देखना भी नहीं चाहती। अपना बस नहीं है, बिल्कुल पता नहीं कैसे हो रहे थे। मैं अपने आप बात कर लूंगी उससे। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो। सुनो मैं आपको क्लिप दे दूंगा, इनके घर पे पहुंचाना आपका काम है। ठीक है चलो चलो हम पहुँचाएंगे घर पे। अब जाओ आराम से। यो यार आप सब लोगों ने देखा, जो हमारी जनता है, हमारी प्रजा है भाई, सब ने देखा कि जो एक वैवाहिक जीवन में क्या क्या दिक्कत आई इन मैडम की। मतलब उनके हस्बैंड उनकी बेस्ट फ्रेंड खुद मिलके ही चीट कर रहे हैं। मतलब सोचो यार, आज के टाइम पे किसी विश्वास ही नहीं कह सकता मेरे भाई। तो विश्वास को मारो गोली और अपने काम से मतलब रखो भाई। लोगों की मदद करने में ध्यान दो, अय्याशियों में मत ध्यान दो। ठीक है किसी की मदद कर दो पर अय्याशी नहीं। बाकी भाई हमारी वीडियो देखो यार, शेयर मारो यार। ये अवेयरनेस वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप लोगों को पता लग सके किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं और उन दिक्कतों से आप पहले से सावधान रहें। ठीक है क्या बोल रहे तुम? प्यार प्यार क्या प्यार दो भाई, सब प्यार दो इन्हें, मुझे भी दो। तो भाई वीडियो शेयर करना दोनों को और हमारे मिंटू का भी। ये देसी ट्रोल देसी छोरा वाला कार्ड देना। आईडी आ रही होगी तीनों की, फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी भाई, ठीक है दोनों की नीचे तो मैं फॉलो करो तीनों की। एक मिंटू की भी आ रही होगी, फॉलो कर लेना भाई। तो भाई बाकी मिलते हैं। ठीक है।